मेडिसिन में आज हम पढ़ेंगे मेंटल डिसीज़ एंड देयर ट्रीटमेंट। एफोरिज्म नंबर 210 से 230 में दिया गया है। तो जो माइंड एंड बॉडी है, ये दोनों इम्पोर्टेंट फ्रेगमेंट हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। यहाँ पे जो दे आर फंक्शनिंग इन हारमोनी, दोनों एक साथ मिलके एकदम कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं स्टेट ऑफ हेल्थ को। दे आर इनसेपरेबल एंड इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है और सेपरेट नहीं है। एंड एनी अमाउंट ऑफ अल्ट्रेशन इन वन फ्रेगमेंट, अगर किसी एक फ्रेगमेंट में कुछ अल्ट्रेशन हुआ तो दूसरा भी उससे प्रभावित होगा, इमीडिएटली रिफ्लेक्ट ऑन अदर। अगर माइंड, फॉर एग्जांपल, माइंड में कुछ क्या हुआ, अल्ट्रेशन हुआ, तो बॉडी पे उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। इसी तरीके से बॉडी में कुछ अल्ट्रेशन हुआ तो उसका रिफ्लेक्शन माइंड पे दिखेगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ड्रग प्रूविंग एल्सो द पैथोजेनेटिक इफेक्ट विल बी सीन नॉट ओनली फिजिकल, जैसे ड्रग प्रूविंग होती है तो उसमें जो पैथोजेनेटिक इफेक्ट हैं वो केवल बॉडी पर ही नहीं दिखती, बल्कि वो माइंड पर भी, इंटेलेक्चुअल या मेंटली स्पेयर भी उसका कवर होता है। दिस इज़ ट्रू इन केस ऑफ द मियाजमेटिक डिसीज ऑल्सो, मतलब मियाजमेटिक डिसीज में भी ऐसा ही होता है। से इन द सेम अंडरस्टैंडिंग मेंटल डिसीज आर ऑल्सो नॉट एक्सक्लूसिवली, मतलब कि मेंटल डिसीज जो है वो अलग नहीं होती है, ठीक है। तो मेंटल डिसीज आर ऑल्सो नॉट एक्सक्लूसिवली मेंटल, दे आर वन साइडेड डिसीज वेयर अलॉन्ग विद द डिस्पोजिशन ऑफ द माइंड, यानी कि माइंड और कॉर्पोरियल, ठीक है। तो जो कॉर्पोरियल जो है सिम्टम, यानी कि कॉर्पोरियल सिम्टम्स और जो माइंड है, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से, इन दोनों का रिफ्लेक्शन होगा। कॉर्पोरियल यानी शारीरिक सिम्टम जो होगा बॉडी के, और जो माइंड के सिम्टम है, तो ये दोनों के सिम्टम जो है आपस में रिलेटेड रहेंगे, दोनों का प्रभाव एक दूसरे पे पड़ेगा। कैन बी नोटेड बाय एक्यूरेटली ऑब्जर्विंग फिजिशियन, तो 210, 211, 212 में ये बताया गया है। ईच एंड एवरी ड्रग सबस्टेंस पजेस द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस पेकुलर मेंटल एंड इमोशनल डिस्पोजिशन इन द प्रूवर, किसी भी, कोई भी ड्रग में क्या पावर होती है कि वो मेंटल स्पिरिचुअल लेवल पर भी, इमोशनल लेवल पर भी के डिस्पोजिशन भी प्रूवर में प्रोड्यूस करता है। हेंस द मेंटल सिम्टम आर गिवन हाई इम्पोर्टेंस इन होम्योपैथी, इसीलिए होम्योपैथी में मेंटल सिम्टम्स को हाई इम्पोर्टेंस दिया गया है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सिम्टम सिमिलरिटी इन होम्योपैथी द सिमिलर स्टेट ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ माइंड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें जो सिमिलरिटीज़ हैं वो मेंटल सिम्टम को भी देखते हुए मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे आवर एक्सपीरियंस शोज दैट द ड्रग एकोनाइट, जैसे एकोनाइट कैन नॉट इफेक्ट रैपिड जेंटल रैपिड क्योर इन अ पेशेंट विथ काम क्वाइट इक्वेबल डिस्पोजिशन। यहाँ एग्जांपल से ये बताया कि जो एकोनाइट का पेशेंट होता है वो शांत नहीं होता है, अरे उसमें अगर शांत होगा तो उसमें रैपिड क्योर पॉसिबल नहीं है। नक्सोमिका जो है कैन नॉट ब्रिंग क्योर इन अ पेशेंट हु इज़ फ्लेगमेटिक, मतलब नक्सोमिका के जो अगर फ्लेगमेटिक टाइप के, स्लगिस टाइप के पेशेंट नहीं होते नक्सोमिका के, और माइल्ड नेचर के नहीं होते हैं, ऐसा उनका होना ज़रूरी है, वो माइल्ड नहीं होगा नक्सोमिका। इसी तरीके से एकोनाइट का मेंटल कामनेस जो है उसको क्या कर रहा है, कॉन्ट्रा इंडिकेट करता है एकोनाइट को, कैमोमेला को, तो उसमें उन केसेस में नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ पर मेंटली बहुत ज़्यादा कैसा होता है, टेंशन एंजाइटी बनी रहती है एकोनाइट में। तो टाइप्स ऑफ मेंटल डिसीज जो है, सोमेटोसाइकिक मेंटल डिसीज, इसमें आ जाएगा कॉर्पोरियल ओरिजिन, एक्यूट ओरिजिन ड्यू टू एक्साइटिंग गैस, डाउटफुल ओरिजिन, साइकोसोमेटिक मेंटल डिसीज ड्यू टू इमोशनल गैसेस। तो सबसे पहला है यहाँ पे जो कॉर्पोरियल ओरिजिन की, यानी कि केवल बॉडी का, फिर एक्यूट ओरिजिन ड्यू टू एक्साइटिंग गैस, किस एक्साइटिंग गैस की वजह से, या जिस किसी का डाउटफुल ओरिजिन है इस तरीके की, या मेंटल डिसीज ड्यू टू इमोशनल गैस इस तरीके से। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेंटल डिसीज़ और उसका डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन अलग अलग। मेंटल डिसीज़ आर वन साइडेड डिसीज़, ठीक है। मेंटल डिसीज़ क्या होती है, वन साइडेड डिसीज है सोरिक ओरिजिन की। दो दे आर होल साइकोसोमेटिक एंटिटी, ठीक है, मेनली ये साइकोसोमेटिक रहती है, मतलब कि बॉडी माइंड दोनों का असर इसमें होगा एक दूसरे पर। द डीरेंजमेंट ऑफ मेंटल डिस्पोजिशन इंक्रीज वाइल द कॉर्पोरियल सिम्टम डिक्लाइन, यानी कि यहाँ पे मेंटल डिस्पोजिशन में क्या होगा, डीअरेंजमेंट हुआ तो वो बढ़ जाता है कब, जब कॉर्पोरियल सिम्टम जो है वो डिक्लाइन होने लगते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे अलग अलग एग्जाम्पल से
चार तरीके के क्लासिफिकेशन, मेंटल डिसीज़ ऑफ सोमेटोसाइकिक टाइप, मेंटल डिसीज़ बिकॉज ऑफ एक्साइटिंग काज, मेंटल डिसीज़ डाउटफुल ओरिजिन। तो 216, 221, 224 और 225 में इसको बताया है इन चारों को। चौथे नंबर पे है मेंटल डिसीज़ ऑफ साइकोसोमेटिक टाइप। पहला हम देखेंगे मेंटल डिसीज़ ऑफ सोमेटोसाइकिक टाइप, एफोरिज्म नंबर 216। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि ये जो डिसीज़ है किस मेंटल डिसीज़ की कहाँ से अराइज हुई है, कॉर्पोरियल डिसीज़ से। मतलब कि जो शारीरिक या बॉडी की जो डिसीज़ है उसकी वजह से मेंटल डिसीज़ आई है। एंड सम डिसीज़ लाइक सुपरेशन ऑफ लंग्स और डिटोरिएशन और इम्पोर्टेंट ऑर्गन। मतलब कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गन का डिटोरिएशन हो गया, लंग्स में सुपरेशन हो गया, या कुछ फेटल एक्यूट डिसीज़ है, तो उनका प्रभाव जो है ऑब्जर्व अपन करते हैं। मतलब कि वो इंसैनिटी में चेंज हो जाता है, उसका मेंटल लेवल पे इंसैनिटी आने लगती है, मेलेंकोनिया आ जाता है, ठीक है, उदासी आ जाती है, पागलपन आ जाता है ऐसे पेशेंट में। तो हियर द कॉर्पोरियल सिम्टम विल रिड्यूस एंड द एक्साइटिंग मेंटल सिम्टम विल बी इंक्रीज। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो कभी कभी कॉर्पोरियल सिम्टम जो बॉडी के सिम्टम है वो तो हटने लगते हैं, लेकिन जो ये मेंटल सिम्टम है ये इंक्रीज होने लगते हैं, इंसैनिटी वगैरह। तो द रेपिडली डेवलप इन टू वन साइडेड डिसीज़। इस तरीके से वन साइडेड डिसीज़ मेंटल सिम्टम केवल डेवलप होने लगे। ओनली द एक्यूरेटली ऑब्जर्विंग फिजिशियन कैन ऑब्जर्व द स्कार्सली विजिबल कॉर्पोरियल सिम्टम। यानी कि केवल जो अच्छे से ऑब्जर्व करने वाला फिजिशियन ही इन्हें नोट कर सकता है। एज अ रिजल्ट द मेंटल सिम्टम लुक लाइक द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि मेंटल सिम्टम अपन को देखने लगते हैं कि मेन सिम्टम दिखते हैं। द डिसीज एक्सबिट द क्लियर पिक्चर ऑफ स्पिरिचुअल मेंटल इमोशनल डिस्टर्बेंस। तो अपन को क्लियरली पता चल जाता है कि मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे भी डिस्टर्बेंस हो रहा है। इन शॉर्ट द फेटल डिसीज विथ माइल्ड साइकिक सिम्टम एंड प्रीडोमिनेंट कॉर्पोरियल सिम्टम। मतलब कि शॉर्ट में बात करें हम, ऐसी कोई भी फेटल डिसीज जिसका मेंटल सिम्टम जो है, ठीक है, जिसमें माइल्ड कम माइल्ड नेचर के मेंटल सिम्टम है, और जो प्रीडोमिनेंटली कौन से सिम्टम है, कॉर्पोरियल सिम्टम है, तो ये जो है वन साइडेड डिसीज में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। दिस टाइप ऑफ मेंटल डिसीज कैन बी कॉल्ड द सोमेटोसाइकिक डिसीज। अब यहाँ पे ये चार्ट से हम देखते हैं, जैसे कि सिम्टम ऑफ प्रीवियस कॉर्पोरियल डिसीज, पहले से उसके शारीरिक या बॉडी की डिसीज है उसमें प्रेजेंट क्या प्रेजेंट होगा, मेंटल सिम्टम आ गए, तो फिर उसमें क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ सोमेटोसाइकिक डिसीज। हमें सोमेटो बॉडी की और माइंड दोनों की ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो द होल डिसीज फिनोमेना दैट इज़ द बोथ कॉर्पोरियल एंड मेंटल सिम्टम हैव टू बी एक्वायर्ड। दोनों एक्वायर हुए हैं। इट इंक्लूड द सिम्टम कलेक्शन ऑफ द कॉर्पोरियल डिसीज, इसमें कॉर्पोरियल डिसीज के सिम्टम भी है, विथ विच द पेशेंट सफर बिफोर सो कॉल्ड मेंटल डिसीज। मतलब मेंटल डिसीज के डेवलप होने से पहले उसमें कौन से सिम्टम थे, कॉर्पोरियल डिसीज यानी बॉडी की डिसीज थी। तो कलेक्टिंग दिस इंफॉर्मेशन द पेशेंट अटेंडेंट्स, उसको ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली कि उसमें बॉडी में कुछ डिसीज़ थी, ये सब इंसैनिटी आने से पहले उसके रिलेटिव्स ने बताया, फ्रेंड्स ने बताया। तो वंस द सिम्टम ऑफ द प्रीवियस डिसीज हैव बीन कलेक्टेड, जैसे हम क्या कर लेंगे, प्रीवियस डिसीज के सिम्टम्स को कलेक्ट कर लेंगे, तो दिस कैन बी मिक्स्ड विद एक्साइटिंग कॉर्पोरियल एंड मेंटल सिम्टम, फिर ये दोनों मिल जाएंगे। जैसे प्रीवियस डिसीज के जैसे सिम्टम कलेक्ट कर लिए, तो फिर ये इनको और जो अभी जो करंट में जो सिम्टम है एक्साइटिंग कॉर्पोरियल एंड मेंटल सिम्टम, इन ये मिल जाएंगे और फिर टोटालिटी बन जाएंगे। टू दिस कंप्लीट पिक्चर ऑफ डिसीज द मेडिसिन कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग स्ट्रिंगली सिमिलर, फिर इसी इन्हीं सिम्टम के बेस पे जो मेडिसिन निकलेगी वही मेडिसिन प्रोड्यूस कर सकती है ऐसे सिम्टम, मतलब कि सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस कर सकती है। द फाइनल रेमेडी मस्ट बी एंटीसोरिक, जो फाइनल रेमेडी होगी एंटीसोरिक होगी, जो कि कंप्लीट क्योर करा देगी। अब मेंटल डिसीज बिकॉज ऑफ एक्साइटिंग काज, तो दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द मेंटल डिसीज ऑफ एक्यूट ओरिजिन, इसे मेंटल डिसीज ऑफ एक्यूट ओरिजिन भी कहा जाता है। अब इसमें क्या होगा कि सिम्टम्स समटाइम्स जो मेंटल डिसीज है जैसे कि एंजाइटी मेनिया, ये सडनली ब्रेकआउट हो जाती है एक्यूट डिसीज में, अचानक से ये मेनिया के सिम्टम आने लगते हैं, इंसैनिटी पागलपन के सिम्टम आने लगते हैं। प्रायर टू दिस कंडीशन द पेशेंट मे हैव बीन परफेक्टली हेल्दी, मतलब इनके आने से पहले पेशेंट परफेक्टली हेल्दी था, लेकिन अचानक से एक्यूटली एक्यूट सिम्टम आ गए। यूजुअली व्हेन द एक्साइटिंग काज एक्ट अपॉन द लेटेंट जोरा, एक्साइटिंग काज ने लेटेंट जोरा पे काम किया और इसकी वजह से इसमें इंसैनिटी और ये सिम्टम अराइज हुए। फ्राइट वैक्सीन एब्यूज, फ्राइट भय की वजह से, वैक्सीन की वजह से, ठीक है, एब्यूज ऑफ स्पिरिचुअल लिकर, ये लेने से उसको क्या हुआ, एक्साइटिंग काज
हो गया आ गया जिसकी वजह से लेटेंस हो रहा एक्सप्लोर हो गया, तो इनका ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसीज ऑफ एक्यूट ओरिजिन, हम एक्यूट ओरिजिन की मेंटल डिसीज का ट्रीटमेंट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्यूट एक्सेल्ब्रेशन ऑफ हेज टू बी ट्रीटेड विद एक्यूट रेमेडी, एक्यूट रेमेडी से ट्रीट करना पड़ेगा, द पेशेंट मस्ट रिसीव एंटीसोरिक ट्रीटमेंट लेटर, उसके बाद हमें एंटीसोरिक ट्रीटमेंट देना है, पहले क्या देना है एक्यूट एक्यूट सिम्टम को हटाने की सोचना है। ट्रीटमेंट ऑफ द मेंटल डिसीज ऑफ एक्यूट ओरिजिन तो कैसे ट्रीट करेंगे, 221 से 223 में बताया, तो दीज डिसीज हैव ट्रीटेड विथ एंटीसोरिक रेमेडी, ठीक है एंटीसोरिक रेमेडी से ट्रीट करेंगे, बट द इनिशियल यूज ऑफ द वेल प्रूवन एक्यूट रेमेडी लाइक एकोनाइट बेलाडोना हायोसिनेमस ये ज़्यादा बेनिफिशियल एक्यूट रेमेडी, दिस मेडिसिन हैव टू बी एडमिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द एक्यूट टोटलिटी ऑफ सिम्टम, यहाँ पर एक्यूट टोटलिटी के बेस पर इन मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे, दे मस्ट बी एडमिनिस्टर इन माइन्यूट हाईली डायनामाइज फॉर्म, सच प्रिस्क्रिप्शन विल रिड्यूस द सीवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम बाय सेंडिंग द सोरा इन टू इट्स लेटेंट फॉर्म, तो यहाँ पर ये है कि ये प्रिस्क्रिप्शन जो है वो सीवियरिटी को कम कर देगा ऐसा। उसके अलावा वंस एक्यूट अटैक ऑफ सबसाइड द केस ओरिजिन हैज टू बी ट्रीटेड विद एंटीसोरिक रेमेडीज, यहाँ पे ये बोला है कि जब जैसे ही एक्यूट अटैक को सबसाइड कर देंगे हटा देंगे तो वो जो एंटीसोरिक फिर उसके बाद देके उसे ट्रीट कर सकते हैं, फिर दे शुड नेवर बी रिगार्डेड कम्प्लीटली क्योर बिकॉज लेटेंट सोरा स्टिल प्रेजेंट, क्योंकि एक्यूट रेमेडी देने से वो क्योर नहीं हुआ उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको लेटेंट सोरा बचा हुआ था तो उसे भी हटाने के लिए एंटीसोरिक ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो वो पहले एक्यूट रेमेडी दे दी उसके बाद क्या दे दिया एंटीसोरिक ट्रीटमेंट दिया, प्रॉपर डाइट रेजिमेन ये सब भी उस पर ध्यान देंगे उसके साथ में, तो इस तरीके से ये इसको अपन हटा सकते हैं। अब तीसरी है मेंटल डिसीज ऑफ डाउटफुल ओरिजिन, मतलब कि जिसमें क्या होगा कि इब इन दिस टाइप ऑफ मेंटल डिसीज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट वेदर द मेंटल डिसीज अराइजिंग फ्रॉम कॉर्पोरियल, मतलब कॉर्पोरियल डिसीज की वजह से आई है कि साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की वजह से मेंटल डिसीज आई है ये बता पाना मुश्किल है, लाइक फॉल्टी एजुकेशन बैड प्रैक्टिस उसके अलावा कॉरप्ट मॉरल्स नेगलेक्ट ऑफ माइंड सुपर स्टिशन इग्नोरेंस ये सब, सो इट इज़ इसको दो तरीके से हेडिंग में डील करेंगे कि ये कहाँ से ये बताना मुश्किल है, तो इफ मेंटल डिसीज ऑफ डाउटफुल ओरिजिन आर बेस्ड ऑन साइकोजेनिक कास, अगर ये साइकोजेनिक कास की वजह से आई है तो दिस डिसीज कैन बी कंट्रोल दिस डिसीज कैन बी कंट्रोल बाय सेंसिबल फ्रेंडली मतलब सेंसिबल बिहेवियर से फ्रेंडली एग्जोरेशन से या कंसल्टेटरी या आर्गूमेंट्स से सही कर सकते हैं, उसको सीरियस रिप्रेजेंटेशन एंड सेंसिबल एडवाइस देके हो सकती है ये। उसके अलावा इसको कंट्रोल इस तरीके से किया जा सकता है, ट्रीटमेंट में क्या देंगे, ऐसी मेंटल डिसीज को कंट्रोल करने के लिए साइकोथेरेपी ज़्यादा सही है, काउंसलिंग अप्रोप्रिएट डाइट एंड रेजिमन बट विदाउट फॉलोड बाई एंटीसोरिक ट्रीटमेंट एज अ सोरा विल बी द बेसिक काज इन सच केसेस, ठीक है तो मतलब कि उसके बाद फॉलोअप भी करना है एंटीसोरिक ट्रीटमेंट देना है। मेंटल डिसीज ऑफ डाउटफुल ओरिजिन अगर वो कॉर्पोरियल डिसीज की वजह से है, तो जो पहला पॉइंट पड़ा था ना कॉर्पोरियल डिसीज की वजह से वही वाला है, तो हेनीमन रिकमेंडेड वन गाइडलाइंस टू आइडेंटिफाई सच डिसीज, इन दिस टाइप ऑफ डिसीज द पेशेंट गेट इरीटेटेड वेन द फिजिशियन ट्राइज टू गिव साइकोथेरेपी, ऐसे केसेस में साइकोथेरेपी देता है तो पेशेंट इरीटेट हो जाता है, कंसल्टेटरी आर्गूमेंट में देता है तो वो क्या हो जाएगा इरीटेट हो जाएगा, सो साइकोथेरेपी अलोन सच पेशेंट बिकम मोर डिजेक्टेड, मतलब कि यहाँ पे सही नहीं है साइकोथेरेपी अकेले देना, इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वंस कॉर्पोरियल डिसीज़ को कंसिडर करके रखना पड़ेगा, तो ट्रीटमेंट एल्सो भी गिवन लाइक द सेम, जैसे इसमें क्या करना पड़ेगा कि कॉर्पोरियल डिसीज़ के जो सिम्टम है वो और प्रेजेंट मेंटल डिस्पोजिशन है तो उनसे ग्रुप टोटलिटी बनाएंगे, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ सोमेटोसाइकिक डिजीज ये करेंगे, तो हुल डिसीज फिनोमेना मतलब कॉर्पोरियल मेंटल सिम्टम दोनों है उसको दोनों को एक्वायर करेंगे, उसके बाद क्या होगा इट इंक्लूड द सिम्टम कलेक्शन, दोनों के कलेक्ट कर लिए सिम्टम, उसके बाद जो पेशेंट जो है उसमें मेंटल डिसीज डेवलप हुई थी इन दोनों की वजह से, तो फिर उन जो रिलेटिव से हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई उससे पता चला कि इसको कि पहले क्या डिसीज़ थी, तो वन से सिम्टम ऑफ प्रीवियस डिसीज़ मिल गए जैसे ही हमें, और फिर उसके बाद उन्हें कलेक्ट कर लिए उनको मिक्स कर देंगे कॉर्पोरियल और मेंटल सिम्टम के साथ, इससे टोटालिटी बना लेंगे और फाइनली वो कंप्लीट पिक्चर ऑफ डिसीज़ अपन को पता चल गई जो कि सिमिलर मेडिसिन दे के
या उसको क्लियर अप कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली एंटीसोरिक रेमेडी देके सही हो जाएगा वो। अब मेंटल डिसीज ऑफ साइकोसोमेटिक टाइप, तो दीज आर मेंटल डिसीज दैट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग इमोशनल डिस्टर्बेंस, लंबे समय से इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से आई है। डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिप्रेशन लाइक कंटिन्यू एंजाइटी, वरी, वेक्सेशन, रोंग एंड फ्रिक्वेंट अकरेंस ऑफ ग्रेटर फियर फ्राइट शोक, इन सब की वजह से आई है। वरी, एंजाइटी, इन सब की वजह से। सच डिसीज में भी रिसेंट ओरिजिन एंड मे नॉट हैव डेवलप फुली इंटू कॉर्पोरियल डिसीज, मतलब कि ये कैसे भी ये जो डिसीज है ये रिसेंट ओरिजिन की होती है। नॉट हैव डेवलप फुली, मतलब कॉर्पोरियल शारीरिक ओरिजिन किससे नहीं होती है। बट इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर इसे अनट्रीटेड रहने दिया तो ये मेन बॉडी को डैमेज कर देगी। इन एफोरिज्म 226 में इसके बारे में बताया है कि वाइल दे आर येट रिसेंट एंड दे आर केपेबल ऑफ मेकिंग ग्रेट इन रोड्स द कॉर्पोरियल स्टेट, मतलब कि वो जो बॉडी की स्टेट उसे वो ज़्यादा डैमेज कर सकती है। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ऐसी मेंटल डिसीज को जो साइकिक ओरिजिन की, उन्हें ट्रीटमेंट देने के लिए हमें साइकोलॉजिकल रेमेडीज देनी पड़ेगी, जैसे कि फ्रेंडली एक्सोरिएशन देने पड़ेंगे। उसके अलावा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, उसको कॉन्फिडेंस दिलाओ, सेंसिबल एडवाइस देना है, ठीक है। दिस हैज़ टू बी ऑलवेज सपोर्टेड बाय अ गुड डाइट रेजिमेन, पे भी ध्यान रखवाना है, और एंटीसोरिक ट्रीटमेंट जो है वो भी अवॉइड करना है इन केसेस में। यहाँ पे द फंडामेंटल काज ऑलवेज सूरा होता है, हेंस रेडिकल एंटीसोरिक ट्रीटमेंट हैज़ टू बी गिवन टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ रिकरेंस, मतलब एंटीसोरिक ट्रीटमेंट देना है ताकि फिर से वो रिअपेयर नहीं हो जाए। रिअपेयर हो जाएगी तो इससे बचाने के लिए एंटीसोरिक ट्रीटमेंट फाइनली देना है। जनरल इंस्ट्रक्शन टू द फिजिशियन ड्यूरिंग केस टेकिंग इन मेंटल डिसीज, क्या क्या ध्यान देना है, तो एंटीसोरिक ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। मेंटल डिसीज में मस्ट ऑलवेज कंजॉइंट, मतलब कि जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके साथ साथ एंटीसोरिक ट्रीटमेंट देना ही है। बाय केयरफुली रेगुलेटेड मोड ऑफ लाइफ एंड अप्रोप्रिएट, मतलब कि डाइट रेजिमेंट पे भी ध्यान देना है, और साथ में अप्रोप्रिएट साइकिक बिहेवियर रखना है पेशेंट के प्रति। मेनिया के केसेस में क्या करना है, द फिजिशियन मस्ट रजिस्ट एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द पेशेंट इन कूल काम, उसको शांत रहना है मेनिया वाले पेशेंट आए तब। उसके अलावा मिसरेबल इरिटेबल सोरो का केस है तो क्या करना है, फिजिशियन को साइलेंटली डिस्प्ले द फीलिंग सिम्टोमेटिक सिंपैथी इन हिज लुक एंड गेस्चर, यहाँ पे जैसे मिसरेबल इरिटेबल सोरो पर्सन आए तो साइलेंटली उसको क्या करना है कि सिंपैथी रखना है, फीलिंग्स ऑफ सिंपैथी। और केसेस ऑफ सेंसलेस केटेरिंग, मतलब कि ही मस्ट मेंटेन साइलेंस येट विद द गुड अटेंशन टूवर्ड द सिम्टम्स पे ध्यान रखना है उसको। और साथ में कुछ लोग एब्यूज़ करते हैं, बेड अनप्लीजेंट बिहेवियर करते हैं, बेड लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो ऐसे केसेस में भी उसको कंट्रोल करके रखना है, कंट्रोल मैनर में रखना है। और साथ में ट्राई करना है कि कोई डैमेज डिस्ट्रक्शन इंजुरी ना हो खुद को भी, ठीक है, उसके आसपास सराउंडिंग को, ऐसा। तो इस तरीके से ऑलवेज उसको प्रिवेंशन भी रखना है। इसके अलावा कॉर्पोरियल पनिशमेंट इज़ नॉट अलाउ, होम्योपैथिक मैनेजमेंट में कोई कॉर्पोरियल पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। ये से जो केसेस आते हैं उनमें वो कोई बॉडी को पनिशमेंट नहीं दिया जाता है, मेडिसिन दी जाती है, ठीक है। और साथ में क्रिटिसाइज मेडिकल मैन ही एनिमन ने क्रिटिसाइज़ किया 228 में किसको, मेडिकल मैन ऑफ दिस टाइम यूज़ क्यूरल मेथड, मतलब कॉर्पोरियल पनिशमेंट जो लोग देते थे मेंटल केसेस में, तो उसको उनने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। एंटीसोरिक ट्रीटमेंट, ये सारी मेंटल डिसीज सोरा ओरिजिन की, इसीलिए इनका ट्रीटमेंट हमें एंटीसोरिक मेडिसिन से करना पड़ेगा, और साथ में डाइट रेजिमेन को भी मेंटेन करना है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, उसके अलावा ईगर एक्सप्लेनेशन, रूड करेक्शन, यूज़ इंसल्टिंग लैंग्वेज, वायलेंट बिहेवियर, तो यहाँ पे फिजिशियन को केस टेकिंग में ये सबको भी ध्यान रखना है। सच प्रोसीजर आर गिविंग हार्मफुल टू पेशेंट, मतलब उसको फिजिशियन को उससे हार्मफुल इस तरीके का इंसल्टिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है उसके साथ, नहीं तो वो सिम्टम ही नहीं बता पाएगा। और वायलेंट मेथड नहीं यूज़ करनी है, ठीक है, उसको इरिटेट कर देगी, एग्रावेट कर देगी, इसलिए वायलेंट मेथड यूज़ नहीं करनी है। ओनली द बॉडीली हेल्थ इज़ इम्प्रूव्ड बाई मीन्स ऑफ गुड ट्रीटमेंट, द माइंड एंड डिस्पोजिशन कैन बी इम्प्रूव्ड, हमें बॉडी के ट्रीटमेंट तो करना ही है साथ में माइंड का भी करना है।
ठीक है, इंसान है मैनिक मेलेंकोनिक पेशेंट जो है उनको स्पेशल इंस्टीट्यूशन में ट्रीटमेंट करना है।